हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों क्यों एप्पल जो है ना वो फेलियर है इंडिया में। मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल क्यों फेल हो चुकी है सेल्स के मामले में इंडिया में, और क्या है इसके रीजन। एप्पल जो है दोस्तों वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, और इसकी जो टोटल सेल थी 2017 में वो थी 216 मिलियन आईफोन्स। इतने ज्यादा आईफोन सेल की एप्पल ने कि हम अर्थ से मून तक के जा सके सिर्फ आईफोन पर चढ़ चढ़ गए। लेकिन दोस्तों इंडिया में एप्पल सिर्फ 3.2 मिलियन आईफोन ही बेच पाए, ऐसा क्यों? पहले ये जान लेते हैं कि एप्पल क्या आईफोन इंडिया में क्यों बिकते हैं। तो इंडिया में सिर्फ बिकते हैं शो ऑफ के लिए, और एप्पल का आईफोन जो है ना बहुत ज्यादा लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हैं। इंडिया में देखो अपने कुछ दोस्तों को आईफोन लेते हुए जो कि बहुत ज्यादा पुराना आईफोन ले रहे हैं, आईफोन SE, आईफोन 6, क्योंकि उन्हें चाहिए सिर्फ एप्पल। पर एप्पल क्या, अगर आप एप्पल के स्मार्टफोन के पीछे से अगर एप्पल का आपने लोगो हटा दिया ना, तो स्मार्टफोन की कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। बात करें दोस्तों से पहले रीजन पे कि इंडिया में आईफोन क्यों नहीं बिकते, वो है उसकी ओवर प्राइसिंग। और एप्पल के जो नए नए स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस रहते हैं इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया के आने के बाद उसमें टैक्सेस और सारी ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज भी जुड़ी जाती है, तो स्मार्टफोन बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो जाते हैं, तो एप्पल के आईफोन बहुत महंगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल ये जानबूझ के करता है, क्योंकि बाकी कंपनीज जैसे सैमसंग और वीवो, ओप्पो, ऑनर और ये सारी कंपनीज भी दोस्तों स्मार्टफोन उसको इम्पोर्ट कराती है और उन्हें भी ड्यूटीज देनी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी अपने स्मार्टफोन को चीप रेट में बेचती है। तो एप्पल शायद जानबूझ के ऐसा करता है। मुझे लगता है कि एप्पल का जो नाम है ना वो एप्पल नाम हो गया किडनी होना था, क्योंकि यार इंडिया में लोग अपनी किडनियां बेच बेच के आईफोन लेते हैं। जो सेकंड रीजन है दोस्तों वो है दोस्तों एप्पल को मिलने वाला कंपटीशन इंडिया में। अब इंडिया में दोस्तों बहुत ज्यादा चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो, ऑनर, बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज आ चुकी है, और इनसे एप्पल को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। अब एप्पल जो अपने स्मार्टफोन को हाई रेट में सेल करती है, और चाहते थे वो एप्पल के स्मार्टफोन ले सके, क्योंकि एप्पल इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसे प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनका बजट उतना नहीं रहता। और दोस्तों जो लास्ट रीजन है वो दोस्तों एप्पल की जो सारे जो एप्स होते हैं, सारी सर्विसेज होती है ना पेड होती है, जैसे एप्पल की एप स्टोर, एप्पल म्यूजिक, ये सब पेड है। तो जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोगों को ज्यादा फेमिलियर नहीं। अगर दोस्तों आप एप्पल को ना रियली में सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे एप्पल को सपोर्ट नहीं हो गया, लेकिन मुझे जरूर सपोर्ट हो जाएगा, तो मतलब ऐसे ही अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो दोस्तों एप्पल के जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में इतनी ज्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।